हेलो फ्रेंड्स, आई एम महेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल की द्वितीय यूनिट डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले डेटा यूनिट की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद, जैसे कि हमें पता है, कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है, तो हम बाइनरी नंबर्स को समझेंगे। उसके तत्पश्चात हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेमोरीज को देखेंगे। और जैसा कि हम अपनी दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की फाइल्स काम में लेते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल, JPEG फाइल, MPEG फाइल और भी भांति भांति प्रकार की फाइलें काम में लेते हैं, वो फाइलें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से प्रकार की स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, हम उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इत्यादि। अंत में हम दो एग्जांपल्स की सहायता से इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा यूनिट की परिभाषा। कंप्यूटर डेटा यूनिट इज़ ए यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम, RAM, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स के रूप में हम हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव इत्यादि को प्रयोग में लेते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा है, कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में अपने डेटा को ट्रांसमिट या फिर फ्लो करता है। जब जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वो ऑन स्टेट में होता है और कंप्यूटर उसको 1 के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और जब जब डेटा ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में नहीं होता है, तब कंप्यूटर उसको ऑफ स्टेट के रूप में देखता है और उसको 0 के रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनरी नंबर्स हमारे पास मुख्य प्रकार से दो होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर के बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर की फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेमोरी, जिसको हम बिट भी बोलते हैं। सो बिट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बनती है। दो प्रकार की बिट होती हैं, एक 0 और दूसरी 1। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, 0 ऑफ स्टेट को प्रदर्शित करती है और 1 ऑन स्टेट को प्रदर्शित करती है। बिट के बाद में हम देखते हैं कई बिटों के एक समूह को देखते हैं, तो बात करते हैं हम निब्बल की। निब्बल इज़ द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट के एक समूह को हम निब्बल कहते हैं। जब हम निब्बल को एग्जांपल के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं ये 4 अलग अलग प्रकार की बिट है। हर एक लोकेशन पे 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास 4 बिट हैं। 4 बिट से हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 की पावर 4 = 16। पहला कॉम्बिनेशन, अगर हर एक बिट लोकेशन पे 0000 हो तो वो 0 को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए पहले 3 बिट पे 0000 और लास्ट में 1 हो तो ये 1 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हम देखते जाएं, अंतिम में सभी बिट 1111 हो तो ये F को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार से ये एक निबल है, वो 2 to the power 4 टोटल 16 कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित करने की कैपेसिटी रखती है। ये 0 से लेकर 9, उसके बाद में A, B, C, D, E और F
को रिप्रेजेंट करने का काम कर सकती है। इसके बाद में निबल से बड़ी यूनिट हम जब लेते हैं वो है बाइट। बाइट इज़ द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाइट इज ए ग्रुप ऑफ 2 निबल्स। 2 निबल्स से बनकर एक बाइट बनती है, या फिर हम कहें कि 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो ये 8 बिट का एक समूह है, 8 बिट का ये एक समूह है। इसमें जो फर्स्ट लोकेशन पे है इसको हम LSB बोलते हैं, LSB मीन्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट पोजीशन पे है इसको हम MSB से रिप्रेजेंट करते हैं। MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा था, निबल जो 4 बिट का होता है वो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उसमें 16 होते हैं, उसी प्रकार बाइट के अंदर जो कि 8 बिट का होता है इसमें टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2^8, दैट इज 256 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर हम साइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें -128 से लेकर +127 तक रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी होती है, और अगर हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 0 से 255 तक रिप्रेजेंट कर सकता है। बाइट से बड़ी यूनिट हमारे पास होती है किलोबाइट। जनरली हम देखते हैं हमारे जितने भी सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या फिर हमारे वेबसाइट्स के अंदर जो ग्राफिक्स होते हैं, स्मॉल ग्राफिक्स जो हम बोलते हैं, वो उनकी कैपेसिटी या फिर उनकी जो साइज होती है वो जनरली हमें किलोबाइट के अंदर ही देखने को मिलती है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट से मिलकर बनता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोबाइट बराबर 2^10 बाइट्स। सो किलोबाइट्स आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ स्मॉल फाइल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स उसकी साइज 10 KB के इर्द गिर्द होती है, उसी प्रकार जो वेबसाइट के जो लाइट ग्राफिक्स होते हैं उनकी साइज़ भी 5 KB से 100 KB के बीच में वेरी करती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। KB के बाद में नेक्स्ट हायरार्की के अंदर हमारे पास आता है मेगाबाइट, इसको हम MB भी बोलते हैं। 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होती है, इसको हम 2^10 किलोबाइट्स भी बोल सकते हैं। MB आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ लार्ज फाइल। जिस प्रकार से किलोबाइट स्मॉल फाइल को मेजर करने के लिए उपयोग में आता था, जब फाइल हमारे पास बड़ी हो जाती है तो वो किलोबाइट की रेंज से बाहर चली जाती है और वो मेगाबाइट की रेंज में आ जाती है। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल किसी हाई रिजोल्यूशन की JPEG इमेज हमारे पास हो तो उसकी रेंज 1 से 5 MB तक की साइज हो सकती है, या फिर हम दूसरा एग्जांपल लें कि 3 मिनट का कोई भी एक गाना हो जो वो 30 MB तक का डिस्क स्पेस कवर कर सकता है, और अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो वो 3 MB रफली 3 MB तक के स्पेस को कंज्यूम करता है। हमने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में CD जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी जनरली मेगाबाइट के अंदर ही आती है और उसकी कैपेसिटी लगभग 700 से 800 मेगाबाइट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनता है, इसको हम 2^10 मेगाबाइट भी बोल सकते हैं। गीगाबाइट्स आर समटाइम ऑल्सो एब्रीवेटेड एज गीग्स, और गीगाबाइट आर ऑफन यूज टू मेजर द स्टोरेज डिवाइसेस कैपेसिटी, जैसा कि हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, और आजकल के ज़माने में ये अपने स्मार्टफोन की मेमोरी भी GB में ही आपको देखने को मिलती है। एक स्टैंडर्ड DVD जो होती है उस वो भी लगभग 4.7 GB के स्पेस को होल्ड करके रखती है। GB के बाद में हम नेक्स्ट आता है हमारा टेराबाइट, इसको हम TB बोलते हैं। 1 TB 1024 GB के स्पेस के बराबर होती है, इसको हम 2^10 GB भी बोल सकते हैं। मोस्टली स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ लार्ज स्टोरेज डिवाइस इज मेजर्ड इन टेराबाइट्स।
हमारे लैपटॉप की या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव्स जितनी भी होती हैं वो लगभग टेराबाइट्स में ही आने लग गई हैं आजकल। वो 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB, 32 TB या फिर इसके इधर भी, इसके आगे भी इनकी कैपेसिटी होती है। जैसे जनरली जो एंड वर्क स्टेशंस या फिर सर्वर्स होते हैं वो मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो उनकी कैपेसिटी भी टेराबाइट्स में ही मेज़र की जाती है। अभी हमने शुरू से लेके अंत तक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने देखा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा है। सबसे छोटी डेटा यूनिट बिट्स से लेकर हमने गीगाबाइट टेराबाइट तक देखा। इसके आगे भी अगर सर्वर, हाई एंड जो सर्वर होते हैं उनकी कैपेसिटी इनसे भी ज़्यादा होती है, वो पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट तक जाती है। तो हमने सरसरी नज़र से ये डेटा रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर वन बोलता है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 निब्बल, एक निब्बल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं। तो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा है कि 4 बिट को मिलके एक निब्बल बनाती हैं, 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, और 4 बिट से मिलकर एक निबल बनती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसमें 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसमें हो सकते हैं। एग्जांपल दो को हम देखते हैं। ये पूछ रहा है कि 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं। इसको जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, हमें पता है 1 MB बराबर 2 to the power 10 KB होता है, और 1 KB बराबर होता है 2 to the power 10 bytes। तो 1 MB बराबर हो गया हमारा 2 to the power 20 bytes। 2 to the power 20 bytes जो है वो होता है 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024। तो इसमें एग्जांपल दो जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमने दो एग्जांपल्स की सहायता से जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका नॉलेज हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। मैं आशा करता हूँ ये डेटा रिप्रेजेंटेशंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।